Bye. अलमैकम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग कैसे हैं आप सब लोग हो बोली कि आप सब ठीक होंगे मैं भी अलहमदिल्ला से ठीक ठाक हूँ और जनाब बहुत दो तीन दिन के बाद फिर से हाज़िर हुई हूँ पता है क्या कि दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है कुछ समझ नहीं आता ये ब्लॉग मेरे पास तैयार पता नहीं कब से पड़ा हुआ था आ, दो तीन दिन, दिन तो हो गए हैं लेकिन बस मैंने इसमें वॉइस ओवर नहीं किया हुआ था इस ब्लॉग में और ब्लॉग के क्लिप्स बहुत सारे मेरे पास पड़े हुए हैं तो बस ये वाला रेडी था तो मैंने कहा कि इसको तो मैं वॉइस ओवर करके जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ यहाँ पर हम लोग जा रहे थे अम्मी की तरफ तो रास्ते से फिर हमने यहाँ से खाना खा लिया था तो जी यहाँ पर हस्बैंड जो है ना कुछ खजूरे वगैरह लेकर आए थे तो बस वो देने के लिए हम लोग जा रहे थे और हस्बैंड जब आए थे तो भी मैं उसके बाद ना फर्स्ट टाइम ही जा रही थी अम्मी की तरफ भी तो बस थोड़ी देर के लिए गई थी थोड़े कपड़े ले गई थी बच्चों के फ़्रॉक के ये वाले और गेंजे के थे मेरे पास तो मैंने कहा अम्मी से कटिंग वगैरह करवा लेती हूँ और फिर मैं जो जैसे ही मुझे टाइम मिलता जाएगा तो मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी तो यहाँ मैं बस कटिंग करवाने ही लाई थी अम्मी से तो मैंने कहा कि अभी जो है ना शादी भी आ रही है तो चेंज वगैरह करवाने में आसानी होगी और जो कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने कहा सिल भी जाएंगे इस तरह से और जो एक मैस होता है ना कपड़ों का वो भी कम हो जाएगा तो बस इस वजह से मैं गई थी अम्मी के पास और फिर मैंने उनको खजूरें भी दी थी जो कि लेकर आए थे हस्बैंड और फिर साथ ही फिर मैंने कटिंग शटिंग भी करवा लीते फिर जी नेक्स्ट डे का क्लिप है ये वाला अच्छा मैं बना तो रही थी कुछ ना कुछ ना बना रही थी ब्लॉग लेकिन बस अपलोड नहीं कर पा रही थी अभी हस्बैंड भी आए हुए टाइम ही नहीं मिल रहा और दूसरा बात दूसरी बात ये है ना कि दिन इतना छोटे हैं मुझे तो सबसे ज़्यादा चिड़ी इस बात की होती है कि दिन बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं मुझे कब सुबह होती है कब शाम होती है और इतने सारे काम जो होते हैं ना वो हमारे रह ही जाते हैं बेसिक बेसिक काम तो हो जाते हैं लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ और अलग से एक्स्ट्रा कर लें तो फिर वो मेरे काम रह जाते हैं और इसी तरह ये ब्लॉग भी रह रहता मतलब मींस कि मैं इसकी जो है ना पूरा इसको प्रॉपर तरीके से इसकी शक्ल नहीं दे पा रही थी मींस कि कभी वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी तो कभी एडिटिंग तो खैर एडिटिंग करके फिर रखा मैंने इतनी मुश्किल से उसके बाद जी मैं इसकी वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही थी एक तो ना नॉइस का बहुत इशू होता है तो ये भी था कि समटाइम जब मैं फ्री हो रही थी तो फिर आसपास जो है बहुत घर में शोर शराबा हो रहा था तो इस वजह से भी वॉइस ओवर तो नहीं हो पा रहा था अच्छा मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना वो लेट होने की एक वजह ये भी होती है कि वॉइस ओवर तो मुझे बहुत ज़्यादा ना करना देख के करना पड़ता है वरना बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता व्लॉग के अंदर ना अच्छा इसके बाद जी ना मैंने फिर बेड वगैरह बनाया था नेक्स्ट मॉर्निंग का था ये दिन नेक्स्ट मॉर्निंग के क्लिप्स हैं ये तो नाश्ता वगैरह से फारू होने के बाद बर्तन वगैरह धोगी वॉश करूँगी सारे बर्तन उसके बाद जी ये सारे काम हमारे जो हैं सुबह वाले जो होते हैं वही चलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे सब्सक्राइबर्स डे बाई डे बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा वॉमली वेलकम आप लोगों को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया इसी तरह आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा बहुत शुक्रिया बहुत ज्यादा थैंक यू उन सब्सक्राइबर को जो कि अभी न्यू रिसेंटली मेरे चैनल पर आए हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो यहाँ पर डिश वॉश जो लिक्विड होता है ना ये हस्बैंड पूरी बड़ी वाली बॉटल लेकर आए थे तो और साथ में मैंने उनसे मंगवाती हूँ काला तेल तो ये मेरे पास ना हैंड वॉश की एक बॉटल खाली हुई थी इसमें मैंने काला तेल डाल दिया क्योंकि ना ये जरा सा भी जरा सा तेल यूज करो तो बहुत अच्छा जो है झाग भी बन जाता है और बर्तन इस काले तेल को मैं ज्यादातर बस पतीली साफ करने के लिए ही लेती हूँ और बर्तन वगैरह में दूसरे वाले लिक्विड वॉश से या फिर जो हमारा साबुन होता है ना बर्तन धोने वाले लेमन मैक्स उससे धोती हूँ आज मैंने ना इस जगह को इस सिंक एरिया को मीन्स के थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना था वो मैंने कर लिया मैंने दराज से स्टैंड बना मंगवाया था बहुत अच्छा स्टैंड है और इस पर आप रख के ना ये चीज़ें जो इधर उधर रखी रहती हैं ना सिंक एरिया के आसपास तो एक मैज बना हुआ होता है ये मैंने यहाँ पर हैंग करवा दिया था हस्बैंड से और यहाँ पर सारी चीज़ें अब देखें लुक वाइज कितना प्यारा लग रहा है ना तो बस मैंने जो है ये करा एक ग्लास में मैंने मनी प्लांट डाल के जो है वो रख दिया था और साथ में ये मैंने लिक्विड वॉश काला तेल और इस्पॉज और इसके अंदर हमारी जो मेटल की जूना होता है जिससे हम साफ़ करते हैं बर्तन वो रख दिया था साथ ही नीचे इसके हुक्स दिए हुए थे तो मैंने यहाँ पर वाइपर हैंग कर दिया है और साथ ही मैंने किचन ये क्या कहते है। इसको हैं इसको ग्लव्स हैंग कर दिए थे यहाँ पर आप किचन देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था अब इस बॉटल को मैं अंदर कैबिनेट के रख दूँगी इतनी बड़ी बोतल को यहाँ पर रखने का मकसद ये था कि भाई बहुत ज़्यादा ना उलझन का शिकार हो जाती है तो मैंने बस इसको छोटे वाली बोतल में कन्वर्ट किया यहाँ पर आटा भी ख़त्म हो गया था तो इसमें मैंने आटा वापस डाला उसके बाद जी मैंने उस दिन कुछ नहीं बनाया था दिन में बस कबाब फ्रीज़ हुए हुए थे तो बस वो ही फ़्राई कर लिए थे और मैंने सिंपल रोटी बनाई थी और साथ पराठा बना लिया था अपने लिए एक तो बस पराठा प्याज़ काट लिए थे थोड़े तो से और कबाब फ्राई कर लिए थे तो बस यहाँ पर हमने लंच कर लिया था यहाँ पर मैं अपने लिए निकाल रही थी गरम गरम सा तो जी यहाँ पर बस लंच वग़ैरह हम कर लेंगे लंच वगैरह से फारग होने के बाद फिर मैं यहाँ पर करूँगी अब डिनर की तैयारी और उस दिन मैंने बनाया था और अभी मैं वॉइस ओवर करी ना तो मैं भूल गई कि मैंने क्या बनाया था उस दिन जब ये क्लिप बना रही हूँ मैं तो जी यहाँ शायद मैंने बनाई थी कुछ आलू मेथी कीमा इस टाइप का कुछ हाँ मैंने यही बनाया था तो देखें यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लिया तो उसके बाद जी मैंने डाल दिया था चिकन का कीमा लिया था वो डाल दिया था लहसुन त्रक का पेस्ट डाल दिया था बेसिक सी रेसिपी है कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है टमाटर डाल दिए थे कुट्टी मिर्च हल्दी नमक जो भी हमारे रेगुलर स्पाइस होते हैं वो सारे ऐड कर दूँगी इसके अंदर और इसको फिर हम अच्छा सा भूनेंगे और भुनने के बाद फिर इसमें मैंने ना आलू भी डाल दिए थे तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं मेथी कीमा भी सिर्फ अच्छा लगता है मगर आलू डाल दो ना तो फिर बच्चों को खिलाने में भी इजी हो जाता है और फिर ना आलू को भी टेस्ट आ जाता है तो मैंने आलू इसलिए भी डाल दिए थे इसमें और बस अभी इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर मैं मेथी डाल दूँगी तो जनाब ये हमारी जो है डिनर बन गया था और आप लोग सुनाएं कि आप लोगों की क्या कैसी रूटीन चल रही है आप लोगों के घर क्या पक रहा है क्या सर्दियों में क्या ख़ास चीज़ें बनती हैं आपके घरों में और सर्दी तो कराची में अब ऐसा लगता है कि है ही नहीं मतलब कि बहुत कम हो गई है ज़्यादा सर्दी का पता नहीं आजकल नहीं चल रहा है दोबारा से यानी कि सर्दियाँ कम हो गई हैं यानी कि सर्दियों का जो, जो जोर है ना वो कम हो गया है कराची में और बाकी और जगह में तो मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है लाहौर मुल्तान इस्लामाबाद यहाँ तो बहुत सर्दी होती है मगर कराची में ना सर्दियाँ अव्वल तो इतनी ज़्यादा दर्जे वाली होती ही नहीं है और दूसरा अगर हो भी जाती है तो वो कुछ टाइम बाद हल्की हो जाती है मतलब मीनस के कम हो जाती हैं तो कराची हम कराची वाले जो है ना सर्दी के मामले में बहुत नाजुक हैं क्योंकि हमें इस तरह से रहने की आदत है कम सर्दी में तो फिर जब ज़्यादा सर्दी हमें मिल जाती है मतलब कभी कभार जो सीज़न की बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो फिर हमें कराची वालों को बर्दाश्त भी नहीं होती क्योंकि आदत ही नहीं होती है ना और बस यहाँ पर अभी मेरा सालन डन हो गया था और साथ साथ मैं रोटियाँ भी बना रही थी और इसको ये फाइनल होती ऊपर से मैंने इसमें गर्म मसाला डाला है ये कूट कर मतलब कि साबुत को मैंने कूट के डाला था तो यहाँ पर देखें इसकी लुक है और देखें कितनी फ्रेश फ्रेश से लुक आई है साथ ही ना मैं रोटियां भी बना रही थी ताकि रोटियां और सालन साथ साथ बन जाए और मैं फिर किचन से भी फारिग हो जाऊँगी तो मेरा यही होता है कि सालन चढ़ाने के बाद मैं जो है फ़ौरन से रोटियों के लिए रोटियां बना लेती हूँ क्योंकि हमारे घर में एक तो आटा हम लोग पहले से गूंद कर नहीं रखते हैं फ्रेश फ्रेश आटा हर टाइम का गूना जाता है तो बस यहाँ पर अभी मैं रोटियां ही डालूँगी और फिर बस खाना वगैरह खा लेंगे और आपको भी इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी आगे यहाँ पर अभी जो है मैं व्लॉग को भी यहीं से एंड करूंगी चैनल पर जो लोग न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यार से कमेंट कर दीजिएगा और इससे जो है हमारी हौसला अफज़ाई होती है और जब मैंने देखा ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं तो फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हुई थी तो मेरे पास जो क्लिप रखे थे मैंने जल्दी जल्दी से उसको एडिट किया उसका वॉइस ओवर किया और आपके सामने ब्लॉग पेश कर दिया तो इसी तरह से मोटिवेशन मिलती है हमें जो वीडियो बनाते हैं क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि बहुत आसान है लेकिन पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग फेस कर रहे होते हैं मिलूंगी आपसे आप नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़